फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं बिहरा मार्केट से सीधा जो अंदर नवहट्टा की और रोड जाती है इस पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नदी है जिसपे एक पुल बनी हुई है। और ये जो देख रहे हैं दृश्य, ये देखिए नदी, और इसी नदी पर एक पुल बना हुआ है। और पहले हम जिस पुल पे से चलते आते थे नवहट्टा की ओर जाते थे वो दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पुरानी पुल है जिससे हम सब जाया आया करते थे। ये पूरा ये अब बर्बाद हो चुका है, इस पर अब कोई नहीं जाता है। और ये देखिए, पहले ये सीन देखिए, वहाँ से नवहट्टा की ओर जो जाते थे पहले वो पुल है, इस पर से जाते थे। एक पुल इधर भी रहा करते थे ना, हाँ, लकड़ी वाला पहले। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं, हाँ अच्छा, ये लकड़ी वाले बना है। बिहरा से आकर के ये पहला पुल मिलेगा आपको जो पहले से बेहतर हो चुका है। पहले लकड़ी वाली होती थी, फिर उसके बाद बनी ये जो लोहे वाली पुल, लोहे वाली पहले बनी ना सर, पहले लकड़ी वाली जो ये स्थान है लकड़ी वाली है, और ये बनी उसके बाद लोहे वाली, उसके बाद लकड़ी के बाद बना लोहा, लकड़ी के बाद बना लोहा, उसके बाद बना कंक्रीट वाली, मजबूत वाली। अच्छा अच्छा, यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग घर हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, और ये पहले हम सब जाया करते थे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो नदी आप देख रहे हैं और ये पुल के बारे में यहाँ के लोग बताएंगे कौन सा पुल है और ये कौन सा नदी चल रही है इधर बह रही है। ढेमरा नदी। ये कौन सा नदी है? ढेमरा नदी। और ये पुल का नाम क्या है? मुंगराहा पुल। सो फ्रेंड्स, ये मुंगराहा पुल है, उसके आगे कौन सा पुल मिलेगा? अंग्रेजी पार्क, नवहट्टा पुल। सो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्टॉप इज नवहट्टा। को यहाँ पे क्या क्या दिक्कत होती है वो बताइए हमें। रोड का दिक्कत था, जो भी बन गया है अभी, अच्छा वर्तमान में बना हुआ है, हाँ पहले बहुत दिक्कत था। हम तो चचा आए हैं तो इधर से तो रोड ही पत्थर दिया गया, रोड ही तो रोड बना नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम है रोड का ना, बहुत दिन से ही ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस बार वोट दीजिएगा किसको? इस बार वोट किसको दीजिएगा? आरजेडी? एनडीए, नरेंद्र मोदी। अच्छा, काम अच्छा कर रहे हैं, रोड तो बनना चाहिए। इस बार कौन है यहाँ के उम्मीदवार? इस बार उम्मीदवार कौन है यहाँ के? किसको आप वोट दीजिएगा अभी? यहाँ के उम्मीदवार कौन है उसका नाम बताइए ना, विधायक है एनडीए से। एनडीए से पूर्वीडियो से। अच्छा, गौतम कृष्ण भैया का है। अच्छा, अब्दुल रजाक भैया। अच्छा अच्छा, जो है जन अधिकार पार्टी। अच्छा अच्छा, देखिए मेन बात है कि हम सब का जहाँ रहते हैं हम सब तो वोट दे देते हैं पर काम नहीं होता। अभी समस्या मान लीजिए कि इस देखिए रोड की कंडीशन बहुत दिन से खराब है, कम से कम रोड की चौड़ाई देख रहे हैं, दो टेम्पो एक साथ सही से चल नहीं सकता है, एक्सीडेंट कर जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट होता ही है। क्या बोल रहे हैं? टेंडर हो गया है। टेंडर हो गया है नहीं, गलत बोल रहे हैं।
टेंडर नहीं हुआ चाचा? मतलब कि रोड ऐसे ही बना हुआ रहेगा, ऐसे ही समस्या झेलेंगे, एक्सीडेंट ऐसे ही होगा? मार्केट से आप चले ना जी, मंदिर मिला जी जी जी, वहाँ इतना बड़ा खतरा था जी, आदमी को चलना भी मुश्किल था। और कह रहे हैं लोग यहाँ पे एंड टेंडर पास है, ये सब झूठ मत बोलिए ना, कम से कम झूठ नहीं, रियलिटी। आप सब कोई नेता, आप सब ये बताइए, आप कोई नेता तो नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है, आप जो सच बोलिएगा ना तो उस पर वैल्यू होगा। टेंडर नहीं हुआ है। हाँ, एक रोज इसका आया था इंजीनियर, अच्छा अच्छा, उसको कहे हम जी लोड नहीं कर पाती है जी, आचार संहिता लग गया है। हाँ, इसके बाद जैसे पुला वाला सोचेगा दिसंबर जनवरी में जाके बनेगा। अच्छा हाँ, अभी कौन बनाएगा, किसके टेंडर किसके हाथ जाएगा इसका? इस बार आ रहा है ना सर, उसको बोलिएगा चाचा स्पष्ट है, पहले रोड बनवाओ तब वोट लेना तुम हमसे। वोट जरूर दीजिएगा, वोट जरूर दीजिएगा, ठीक है चाचा, उसी को वोट देगा। नवहट्टा से 1 किलोमीटर पूरब आपको मिलेगा। अच्छा ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ की समस्या पहुँचाए लोगों तक, हमारे सब्सक्राइबर तक। सो फ्रेंड्स, ऐसा होता है यहाँ जी जी, साइकिल वाला को उतारना पड़ता है, देख रहे हैं ना? जी जी देख रहे हैं, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साइकिल वाले कैसे उतर रहे हैं, परेशानी होती है, रोड बहुत ख़राब है। नवहट्टा से इधर जितनी आप आएंगे सारी रोडें ख़राब है, मेरी मानी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ के लोग भी कह रहे हैं जो हम बात कह रहे हैं। सो फ्रेंड्स चलिए आगे नवहट्टा का, और इधर से जो भी सीन होगा रोड का वो भी आपको हम दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं।
हैं।